क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एक्स एंड वाई इन सेंटीमीटर्स इन द फॉलोइंग फिगर्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मुख्तलिफ इसके चार पार्ट हैं, चारों पार्ट्स में यहाँ पे एक्स और वाई यानी कि कोई लेंथ नहीं दी हुई, अननोन का नाम एक्स और वाई है वो फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। इसमें देखें कि ये वाली जो ट्राइंगल है इसका जो सेंटर है ये इसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वो होता है जो सामने वाले एंगल से 90 डिग्री एंगल सामने वाली साइड पे ड्रा करे। तो अब देखो सामने वाले एंगल से ये नीचे को आ रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये मैंने इधर इसको पेज पे भी ड्रा कर लिया है। तो इसमें ये बेटा ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर अपोजिट एंगल से कोई परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे ड्रा हो तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि वो अपोजिट साइड को बायसेक्ट कर देता है। वो जिस जगह पे मिल रहा होता है ना उसका उतनी ही लेंथ उधर हो जाती है, यानी जितनी टोटल लेंथ होगी ये उसको हाफ पे जाके मिलेगा, हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इधर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 था टोटल, 6 में से आप 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। तो अब ये वाली हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है। अब ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप लिख भी देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें मैंने पहले बताया हुआ है कि एक ही फार्मूला है इसका, ये सी कहते हैं हाइपोटेन्यूज को। हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री की अपोजिट साइड, और बाकी जो साइड होती हैं इस 90 डिग्री के जो दूसरे दोनों आर्म होते हैं जो बाजू होते हैं एक को ए कह सकते हैं दूसरे को बी, और जिसको मर्जी ए और बी कह लें, लेकिन 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज को फार्मूले में सी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, सी की जगह पर सी की वैल्यू आ गई 6 स्क्वेयर, इक्वल का इक्वल, ए की जगह पर कोई भी लिख दें 3 स्क्वेयर प्लस बी की जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वेयर। अब बेटा इसकी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये इधर रह जाएगा, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, साथ इनको सॉल्व भी करें। 6 का स्क्वेयर क्या होता है 36 और 9 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये इसको उधर ले जाएं, इस तरह प्लस 9 है दूसरी तरफ जाके माइनस 9 हो जाएगा। तो अब 36 में से 9 माइनस किया तो बेटा ये आ जाएगा 27। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर ख़त्म होता है स्क्वेयर रूट लेने से, अगर इसका स्क्वेयर रूट देंगे तो दूसरी साइड का भी स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्शन एक तरफ होता है इक्वेशन के वही दूसरी तरफ भी करना चाहिए। तो इस साइड का भी स्क्वेयर रूट और इसका भी स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया। ये 27 है ना, ये किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता, तो लिहाजा हमने इसका 27 का स्क्वेयर रूट निकाल लेना है। इस तरह से आप इसका 1 डेसिमल प्लेसेस तक कर लें। स्क्वेयर रूट फाइंड करने का मेथड इससे पहले चैप्टर में हमने बताया हुआ है, उस तरह कर लें। तो इस तरह कर सके आप इसका स्क्वेयर रूट निकाल लेंगे, 5.19 है, या इसको आप राउंड ऑफ भी करें तो 5.20 हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में बेटा आंसर आ गया, x इक्वल टू 5.19 लिख लें या 20 लिख लें एक ही बात है, ये बेटा इसका आंसर है। तो ये बेटा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी इसमें देखें कि ये हमारे सामने एक ट्रायंगल बन जाती है जो आपको सामने नज़र आ रही है, इसमें एक साइड इसकी जो 90 डिग्री के एंगल के साथ है एक 7 है दूसरी भी 7 है, और 90 के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इसका वाई है वो फाइंड करना है। तो ये डायग्राम बनाई बाय यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला लिख दिया जो पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब सी मैंने बताया हाइपोटेन्यूज होता है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो थी ना ये हाइपोटेन्यूज वाई है, वाई फाइंड करना है, इक्वल का इक्वल, एक जगह पे 7 प्लस इसका बी भी 7 है, 7 का स्क्वेयर 49, फिर 7 का स्क्वेयर 49, 49 में 45 प्लस किया तो 98। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है वाई की, तो ऊपर स्क्वेयर ख़त्म करना है, स्क्वेयर रूट ख़त्म होता है स्क्वेयर रूट से, तो अगर एक साइड का स्क्वेयर रूट करेंगे तो दूसरी साइड का भी स्क्वेयर रूट करना होता है।
तो ये इसका भी स्क्वायर रूट काट दिया और इसका भी स्क्वायर रूट काट दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। तो 98 का बेटा आपने बाय डिवीजन मेथड आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, क्योंकि बुक के पीछे डेसिमल में आंसर दिए हुए हैं। तो आप करोगे तो इसका आ जाएगा 9.81 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ इसकी 7 है लेकिन टोटल लेंथ 10 है। तो 10 में से ये 7 माइनस कर देंगे तो बाकी कितना रह जाएगा, बाकी रह जाएगा जो डी सी की लेंथ है वो रह जाएगी 3। टोटल 10 है ना, 10 में से ये 7 निकल गया तो बाकी ये 3 रह जाएगा। तो इस ट्रायंगल में एक साइड 4 है, एक साइड 3 है और एक साइड फाइंड करनी है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये साइड कैसे फाइंड करनी है, आप चाहे इसकी वर्किंग करके भी कर सकते हैं, किस तरह करके 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 और यहाँ पे लिख भी दें सी डी या डी सी ए की बात है, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया। अब बाय यूजिंग फार्मूला या यूजिंग पिथागोरस थ्योरम ये फार्मूला लिख दिया। तो हमें पता है कि ये सी होता है ना, ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज है, सी की जगह पे हमने सी की वैल्यू लिख दी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक बाजू, जैसे ये हमने अभी फाइंड किया 3 है, इसको 3 कह दिया और दूसरे बाजू 4 है, 4 कह दिया। ए बी जिसको मर्जी कह सकते हैं, मैं कई दफ़ा ये बार बार बता चुका हूँ। 3 का स्क्वेयर बेटा 9 और 4 का स्क्वेयर 16 और 9 को प्लस किया तो 25। अब इसका स्क्वेयर ख़त्म होगा स्क्वेयर रूट के साथ, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया और इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, या 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो ये बेटा ये इसका आंसर आ गया। ये बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ये एक्स साइड है इसको फाइंड करना है और ये वाई साइड है ये फाइंड करना है। और ये उन्होंने बता दिया है कि ये 90 डिग्री है एंगल्स हैं और ये भी साइड 4 है, ये भी 4 है, मतलब ये स्क्वायर ही हुआ ना, फिर ऑल साइड इक्वल भी है और 90 डिग्री भी है। अगर ये साइड 4 है तो ये वाली साइड भी, अपोजिट साइड भी 4 ही सेंटीमीटर होगी। आइए चलते हैं पेज की जाने। तो अगर ये साइड 4 है तो इसके अपोजिट साइड भी 4 होगी। तो अब एक हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बन चुकी है और एक हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को बारी बारी हम सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा सॉल्व करके एक्स की वैल्यू, दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम ये वाली ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखें 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 6 है, तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए, जिसको मर्जी आप कह लें, किसी को कह लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस बी, ए दूसरी साइड बी होती है 4 स्क्वायर। पहले इसके स्क्वायर को सॉल्व कर लें, 6 का स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इधर रह जाएगा, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस 16 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। 36 से 16 माइनस किया तो 20 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट के साथ, जजर के साथ। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस तरह से लिख के, अब इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। 20 का स्क्वायर रूट आपने बाय डिवीजन मेथड सॉल्व कर लेना है, यह तो आएगा तकरीबन 4.47, इधर स्क्वायर रूट कट गया था स्क्वायर के साथ, एक्स इक्वल टू ये, एक्स इक्वल टू 4.47 सेंटीमीटर, ये बेटा एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वाली ट्रायंगल में हमने ये वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि ये अपोजिट साइड जो 90 का ये हाइपोटेन्यूज है। तो पहले फार्मूला लिख देंगे बाई यूजिंग फार्मूला, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 स्क्वायर इक्वल टू ए, एक बाजू ए होता है जो 90 डिग्री का, दूसरा बी होता है, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और ये प्लस 16 है उस तक जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब 25 से 16 माइनस किया तो बेटा बाकी रह जाएंगे 9। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसी को एज इट इज नीचे लिखा, अब इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट,
इसका स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया, 9 किसका स्क्वेयर होता है, 9 बटा 3 का, यानी कि 9 का स्क्वेयर रूट हो जाएगा 3 इक्वल टू y, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी y इक्वल टू 3, तो ये बेटा इसका y की वैल्यू आ गई, तो ये आंसर आ गया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, और अगर आपने कोई और क्वेश्चन मेरा ढूंढना हो तो उस क्वेश्चन को ढूंढने का तरीका ये है। इसी तरह बेटा कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का किसी भी क्लास का ढूंढने के लिए आप क्लास आगे क्लास लिख दें, एक्सरसाइज ex लिख के आगे जो भी एक्सरसाइज का नंबर है वो लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, अगर आपका 6, 7, 8 में से कोई क्वेश्चन है तो साथ NBF लिख दें, ये नेशनल बुक फाउंडेशन है उस्ताद नदीम नवत, और इसके बाद सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो एक्सरसाइज वो क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके यहाँ को 9th, 10th का है तो आपने वहाँ पे NBF नहीं होता, जो हमारी फेडरल बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की बुक है ना वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो वहाँ पे फिर हम लिखते हैं PTB यानी पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, तो PTB होता है वो लिख देंगे तो आपके सामने आ जाएगा।